हेलो फ्रेंड्स, मैं जया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ तो गर्मी काफ़ी बढ़ गई है। आपके यहाँ गर्मी कैसी है आप ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी से हालत ख़राब है। फिर भी गर्मी हो या ठंडी, काम तो करना ही पड़ता है ना। तो अभी मैंने शाम को ही अपना रात के खाने का तैयारी कर लिया है। तो मैं रोज़ गर्मी में ऐसे ही करती हूँ, तो मुझे इजी भी लगता है। जैसे कि मैं शाम को बच्चों के लिए दूध लेने गई, उस टाइम ही मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ। जैसे सब्ज़ी बना देती हूँ, आटा गूंद के लगा देती हूँ। तो इस तरह से अब भी जैसे मैं जाऊँगी तो बस रोटियाँ बनाऊँगी, तो मुझे इजी लगता है इस तरह से। तो फ्रेंड्स, आप कैसे गर्मियों में खाने की तैयारी करते हो आप ज़रूर बताना हमें। तो देखो फ्रेंड्स, गर्मी में सबसे ज़्यादा गर्मी तो पता ही है कहाँ लगती है, किचन में। तो इस टाइम किचन में कम से कम समय देना अच्छा होता है, वैसे जल्दी जल्दी बना लो खाना। तो फ्रेंड्स, अभी मैं बहुत ज़्यादा ऑयली या फिर बहुत ज़्यादा मसाला नहीं खा रही हूँ गर्मी में, बिल्कुल सिंपल खाना, क्योंकि गर्मी में खाना पचाना बहुत ज़रूरी होता है। तो हल्का खाइए, हेल्दी रहिए, और ख़ास करके गर्मियों में। तो अभी मैंने सब्जियाँ बनाई है, तो बस रोटियाँ बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स, आप भी चाहो तो इस तरह से शाम को ही अपने खाने की तैयारी कर सकते हो, आपको इजी रहेगा। तो आपको हमारा ये तरीका कैसा लगा फ्रेंड्स, आप ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो भी बताइए, और अगर नहीं लगा, अगर आप उसमें कुछ मुझे सुझाव देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने खिड़की भी खोली हुई है पर हवा नहीं चल रही है, तो मैं शाम को रोज़ छत पे भी चली जाती हूँ ठंडी ठंडी हवा खाने, तो अच्छा लगता है फ्रेंड्स। शाम को छत पे भी जाना चाहिए, टहलना चाहिए, थोड़ा वॉकिंग भी ज़रूरी होती है ना। तो इस तरह से आप अगर बाहर नहीं जा रहे हो तो शाम को छत पे भी जाके वॉकिंग कर सकते हो। तो जैसे मैं भी कभी कभी बाहर चली जाती हूँ पार्क वगैरह, और जब नहीं जाती हूँ तो घर पे ही छत पे जाके थोड़ा सा वॉकिंग कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैं खुद को मेंटेन रखती हूँ फ्रेंड्स। तो आप गर्मियों में अपना काम रूटीन कैसे करते हो आप हमें ज़रूर बताइएगा, और आपको हमारा तरीका कैसा लगा ये भी हमें बताइएगा। तो फ्रेंड्स, ये मेरा कमरा है, मैं आपको दिखाती हूँ, और मैंने वॉल पे कुछ तस्वीरें भी लगाई हैं। तो इनमें से कुछ भगवान की तस्वीरें हैं और कुछ हमारी भी हैं, आप देख सकते हो। तो देखो फ्रेंड्स, यह दुर्गा माता की भी तस्वीर है और भगवान गणेश की भी, और मेरी शादी की भी तस्वीर है, तो जो मैंने वॉल पे लगाया हुआ है। और इधर भी तस्वीरें लगी हुई हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा कमरा कैसा लगा? तो अभी मैं जिस कमरे में बैठी हूँ बस उसी कमरे को दिखा रही हूँ। आप चाहो तो मैं अपना पूरा घर दिखा दूँगी आपको किसी दिन। तो फ्रेंड्स, मैं जिस फ्लोर पे हूँ, इसके ऊपर वाले फ्लोर में काम चल रहा है अभी, तो कंस्ट्रक्शन का काम लगभग पूरा ही हो चुका है, तो अभी उसको फिनिशिंग करना बाकी है। तो किसी दिन मैं आपको अपना होम टूर करा दूंगी फ्रेंड्स, अगर आप चाहो तो।
अगर आप हमारा घर देखना चाहो तो मैं आपको होम टूर करा दूँगी, और जिस फ्लोर में हूँ उसको भी, और जो मेरा ऊपर में बन रहा है उसको भी मैं आपको दिखा दूँगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपके यहाँ गर्मियाँ कैसी पड़ रही हैं? हमारे यहाँ तो काफ़ी गर्मी पड़ रही है फ्रेंड्स। बच्चों की भी छुट्टी हो गई है तो बच्चे अभी घर पे ही हैं, पर जिद कर रहे हैं नानी घर जाने या फिर कहीं घूमने जाने। तो देखती हूँ कहाँ जा रही हूँ। वैसे तो गर्मी बहुत है और घर में सबसे ज़्यादा सुकून घर में ही है, तो गर्मियों में तो कहीं जाने का मन नहीं करता है, और बाकी दिन में बच्चों की छुट्टी नहीं रहती तो ऐसा होता है फ्रेंड्स। देखो अभी जैसे गर्मी पड़ रही है तो मन नहीं कर रहा है, और जब मन करेगा तो स्कूल बच्चों के तो छुट्टी नहीं रहती है, जिस वजह से हम जा नहीं पाते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या करते हैं हम। तो आप अभी गर्मी में अपनी छुट्टियां कहाँ मनाने जा रहे हो? वैसे गर्मी में तो ठंडी ठंडी जगह पे ही जाना अच्छा रहता है, शिमला मसूरी ये सब ठंडी जगह अच्छी लगती है। तो देखिए अभी तो मैंने प्लान नहीं किया है, बहुत ज़्यादा गर्मी है इस वजह से, क्योंकि सबसे ज़्यादा सुकून घर में ही है। तो फ्रेंड्स आप हमारा वीडियो देखा करो, लाइक किया करो, तो चलो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो हमारी तो लाइक कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।